आज हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल चैप्टर्स के क्लास एट मैथ्स फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस सिक्सटीन एज सम ऑफ नंबर किसी भी नंबर को हमें और नंबर के सम में एक्सप्रेस करना है तो हमें क्या करना है पहले वो नंबर देखना है क्या है सिक्सटीन तो हम फाइंड कर लेते हैं सिक्सटीन का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन इज फोर तो सिक्सटीन को जब हम एक्सप्रेस करेंगे और नंबर के सम में तो हम स्टार्टिंग के फर्स्ट फोर टर्म्स ले लेंगे फर्स्ट फोर और नंबर फर्स्ट नंबर वॉर्ड नंबर क्या होता है वन थ्री सेकेंड थ्री थ्री के बाद क्या आता है फाइव फाइव के बाद क्या आता है सेवन ठीक है तो हमने फोर लिए हैं क्यों लिए फोर क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन क्या होता है फोर तो फोर टर्म्स लिए अगर हमें फिफ्ट ट्वेंटी फाइव के लिए बोला जाता तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट क्या होता है फाइव होता है तो ट्वेंटी फाइव को हम एक्सप्रेस करते वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस सेवन के बाद नेक्स्ट ऑर्ड नंबर नाइन ठीक है तो जिस भी नंबर का हमें जिस भी नंबर को हमें और नंबर के सम में एक्सप्रेस करना है तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो स्क्वायर रूट आएगा उतने हम और नंबर ले लेंगे ठीक है तो सिक्सटीन को हमने एक्सप्रेस किया द सम ऑफ ऑड नंबर वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन इसको सम करोगे तो सिक्सटीन आएगा राइट अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्यूब्स ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका स्क्वायर रूट निकालना है फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर के क्यूब्स का क्यूब्स के सम का तो पहले हम सम करते हैं फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर क्या हो गए पहले तो हमने ये लिए नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं तो वन टू थ्री ठीक है अब इनके क्यूब्स का सम करना है सम ऑफ क्यूब्स सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर ठीक है यहां पे मैंने ये लिख दिया फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब कितना आ गया वन का क्यूब वन टू का क्यूब एट थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन अब इन तीनों को सम कर दो वन प्लस एट नाइन नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स ठीक है अब क्या करना है इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट कर दो स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स इज सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इफ थ्री इज रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एटी वन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू इज रेस्ट टू द पावर एक्स इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है गिवन है थ्री रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू एटी वन अब हमें पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे एटी वन को हम क्या लिख सकते हैं देखो प्राइम फैक्टर कर दिए थ्री से डिविजिबल है ट्वेंटी सेवन नाइन थ्री वन तो एटी वन को हम लिख सकते हैं थ्री इज रेज टू द पावर फोर ठीक है अब हमें मालूम है जब दोनों साइड एल और आर एच एस बेस सेम होता है तो हम पावर को कंपेयर कर लेते हैं एल और आर जब बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स की वैल्यू फोर आ गई हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है टू इज रेस टू द पावर एक्स तो इसमें टू एक्स की वैल्यू पुट कर दो टू एक्स की जगह हम क्या रख देंगे फोर टू इज रेस टू द पावर फोर तो टू इज रेस टू द पावर फोर मीन टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्यूएट क्यूब रूट सिक्सटी वन प्लस क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी तो हम सबसे अंदर से स्टार्ट करेंगे ठीक है मैंने ऐसे ही रहने दिया ये वाला क्यूब रूट ऐसे ही रहने दिया ट्वेंटी फाइव प्लस अब इसकी वैल्यू लिखिए सबसे पहले ये वाला जो क्यूब रूट है क्यूब रूट ऑफ एट क्या होता है टू ठीक है तो क्यूब रूट ऑफ एट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी टू नेक्स्ट आगे सॉल्व किया क्यूब रूट ट्वेंटी फाइव प्लस टू कितना लिख देंगे हम ट्वेंटी सेवन अब हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन।, सेवन का क्यूब रूट क्या होता है थ्री तो अब हमने इस पूरे टर्म की वैल्यू रख दी क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन की वैल्यू थ्री अब बन गया हमारे पास सिक्सटी वन प्लस थ्री सिक्सटी फोर ठीक है क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर क्या होता है फोर होता है अगर आपको नहीं पता हो कोई नंबर बड़ा हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जैसे मैं करके बता देती हूँ क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं ए वन नंबर है तो आप टू से ही डिवाइड करेंगे हमेशा टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है टू होता है और टू एक ऐसा ऐसा नंबर है जो इवन है अदरवाइज और भी और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता अब हमें क्यूब रूट बनाने के लिए क्या लेने होते हैं तीन सेम फैक्टर लेने होते हैं ठीक है ग्रुप बनाना होता है तीन सेम प्राइम तीन सेम फैक्टर लेके हमें एक ग्रुप बनाना होता है एक ग्रुप ये बन गया एक ग्रुप ये बन गया ठीक है तो टू तो मल्टीप्लाई टू ज इक्वल टू फोर यानी कि स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर इज फोर ये हमारा आंसर फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर ये हमें एक फिगर गिवन है आप देखो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव फाइव साइडेड क्रॉस फिगर है तो ये क्या कहलाता है जिसमें फाइव साइड्स होती है पेंटागन ठीक है पेंटागन जिसमें फाइव साइड्स होती हैं इसमें हमें ये फोर एंगल्स हमें गिवन है ये एंगल वन है और ये एंगल एक्स है एक्स हमें मेजर करना है देखो तो हमें पता होना चाहिए कि सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन पॉलीगन कितनी भी साइड फिगर हो सकता है क्लोज फिगर उसका जो फॉर्मूला है सारे सारे इंटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन का वो होता है एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180. n एन क्या होता है नंबर ऑफ साइड तो अब हमारे पास क्या है पेंटागन तो इसमें क्या होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज एन माइनस टू मल्टीप्लाई वन एट्टी एन है हमारे पास फाइव क्योंकि फाइव साइड्स हैं इसमें फाइव माइनस टू मल्टीप्लाई वन एट्टी तो कितना हो जाएगा फाइव माइनस टू थ्री थ्री मल्टीप्लाई वन एट्टी इज 540, 540 डिग्री तो इस पेंटागन के सारे एंगल्स का सम है 540 डिग्री अब हमें कौन कौन से एंगल गिवन है 90 डिग्री प्लस 120, ट्वेंटी प्लस हंड्रेड प्लस वन प्लस एंगल वन इन पांचों एंगल का सम है 540, जिसमें जिस से हमें चार एंगल ये गिवन है इनका हमने सम कर लिया इन चार एंगल का सम करके आया एट फोर वन एट प्लस एंगल वन इज इक्वल टू फाइव फोर्टी तो एंगल वन आ गया फाइव फोर्टी माइनस फोर वन एट तो कितना हो गया वन टू टू तो एंगल वन आ गया हमारे पास वन ट्वेंटी टू डिग्री अब आप याद रखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर और इनका सम होता है हमेशा 180 डिग्री एंगल वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन डिग्री इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ये दोनों फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर इनका इनका सम होता है वन डिग्री ठीक है आप रीजन लिख सकते हो लीनियर पेयर एंगल वन हमने फाइंड कर लिया 122 डिग्री तो एक्स हम फाइंड कर सकते हैं तो x इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस वन कितना बचा एक्ट्री एट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स ये हमें एक इक्वेशन बन इक्वेशन इसे हमें सॉल्व करना है फाइव एक्स अपॉन थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स अपॉन फाइव एक्स वाले टर्म्स को हम एल एच एस में पुट कर देते हैं ये तो ऑलरेडी है थ्री एक्स अपॉन फाइव को हम एल एच एस में ले गए तो ये माइनस थ्री एक्स अपॉन फाइव हो गया टर्म को हम आर एच एस में ले आते हैं तो माइनस फोर इधर आके प्लस फोर हो गया राइट अब हमने इसमें एलसीएम लिया थ्री फाइव जेब फिफ्टीन एलसीएम आ गया जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं फिफ्टीन को थ्री से डिवाइड किया फाइव थ्री फाइव जेब फिफ्टीन और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करी तो फाइव फाइव जेब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स फिफ्टीन को डिवाइड किया फाइव से थ्री ऊपर वाले थ्री एक्स से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करी तो आ गया नाइन एक्स इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस नाइन एक्स सिक्सटीन एक्स अपॉन फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई फिफ्टीन डिविजन में एल एच एस से आर एच एस में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया और x इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई फिफ्टीन ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ गया 4 बन 4, 4 फोर वन जय फोर 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 जय सिक्सटीन यानी फिफ्टीन अपॉन फोर